तमाम देखने वालों और सुनने वालों को वाजिद मलिक का मोहब्बत प्यार भरा सलाम। स्टे होम स्टे सेफ, गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है उस पर हमने अमल करना है। और आज स्पेशली तौर पे सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ चल रही हैं उन पे हमने बिल्कुल अमल नहीं करना, इसलिए स्पेशली तौर पे हाज़र हुआ हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट हुई हैं उस पर अनकरीब आपके जो बेनिफिट अनाउंस हुए हैं, तमाम कनेडियंस के लिए जो बेनिफिट अनाउंस हुए हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, इसका पोर्टल अनकरीब पब्लिश हो जाएगा, वो शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक अपने लास्ट ईयर के टैक्सेस फाइल नहीं किए तो वो टैक्सेस फाइल कर लें, क्योंकि जो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलेंगे उसका इन्हिसार लास्ट ईयर की इनकम पे होगा। बहरहाल सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए बहुत अच्छा पैकेज है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि मेरे उन तमाम बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जो अपने दिल में ये जज्बा रखते हैं कि उन्होंने किसी के लिए कुछ करना है। तो आज यहाँ मैं तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो घरों में बैठे हैं, अपने आप को सेफ रख रहे हैं, और ये हम पे फ़र्ज बनता है कि जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस मिली है उस पर अमल करें। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो मिस सागर, टोरंटो, स्कारब्रो और मिस तमाम GTA में बैठे हैं, घरों में, ओल्ड एज हाउसेस में बैठे हैं, उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। वो अपनी ग्रोसरी खुद बाहर जाके नहीं बाय कर सकते, और करंट सिचुएशन में काफ़ी मैंने देखा है बुज़ुर्ग जो बहुत ज़्यादा परेशानी से है इस वक्त, तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो इस सिलसिले में अगर आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और स्पेशली तौर पे उन लोगों की मदद करें जो आपके इर्द गिर्द हैं, स्पेशली दाएं बाएं नॉर्थ साउथ। आप देखें किसी को आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, या यहाँ नहीं तो अपने बैक होम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी आए हैं आप उधर अपने महल्ले को जानते हैं कि कौन से गरीब लोग हैं, कौन से दिहाड़ीदार हैं जो दिन को कमाते हैं रात को खाते हैं। उनका एहसास करना, उनकी कोई बंदा भूखे पेट ना सोए, या आप अगर कर सकते हैं अपनी इस्तेदाद में, हर इंसान अपनी इस्तेदाद में रहते हुए जो कुछ कर सकता है वो ज़रूर करे। अल्लाह ताला हमें इस मूजी वबा से बचाए, और मेरा बहुत ईमान है कि अनकरीब हम इस मूजी वबा से निकल जाएंगे। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे, और हम सब मिलके ने इससे लड़ना है, डरना नहीं। एक जो खौफ की वबा, खौफ तारी हो गया लोगों के दिलों में, जो कि बहुत ज़्यादा मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा खौफ हो, वो डरते हैं एक दूसरे के पास जाते हुए भी। तो इस खौफ से हमें निकलना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव एनर्जी आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाएगी। ऑलवेज थिंक हाई, और इसके लिए यही पैगाम कि ट्राई टू डू समथिंग बेटर फॉर दी अदर्स। किसी के दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ना तो किसी के लिए बुरा सोचें और ना बुरा करें। अगर आप अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए ज़रूर अच्छा करेगी। स्टे होम स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।